हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मेरुखंड अलंकार लेसन टू। फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने लेसन वन बनाया था मेरुखंड अलंकार पर, तो उसमें मैंने 3 स्वरों से मेरुखंड अलंकार बनाना सिखाया था। तो आज मैं लेसन टू में मेरुखंड अलंकार 4 स्वरों को लेकर के मेरुखंड अलंकार बनाना सिखाऊंगे। फ्रेंड्स, पहले लेसन में मैंने बहुत अच्छे से क्लियरली समझा दिया था और आप लोगों को बताया था और होमवर्क भी दिया था, दादरा ताल में इसको गाएंगे और बजाएंगे, ठीक है। उसको क्लियर आप लोगों को करने के लिए मैंने दिया था, 1 हफ्ते का समय दिया था, तो आप लोग उसको अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, उम्मीद करती हूँ। अगर आप नए हो तो प्लीज उस लेसन को जरूर देखिएगा, मेरुखंड लेसन 1। और आज के लेसन में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि 4 स्वरों से कैसे मेरुखंड अलंकार बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आपको कॉपी पेन लेकर के रखना होगा और मैं बोर्ड पर समझाऊंगी कि कैसे बनाएंगे मेरुखंड अलंकार और उसको किस ताल में बजाएंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। तो आइए, सबसे पहले मैं बोर्ड पर इसको लिख करके समझाऊंगी, आप उसको नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, फिर हारमोनियम पे कैसे गाएंगे और कैसे बजाएंगे ये भी मैं सिखाऊंगी। सो फ्रेंड्स, आप हेडिंग डालिए मेरुखंड अलंकार लेसन 2 और कहरवा, और ये जो अलंकार है उसको कहरवा ताल में हम गाएंगे या बजाएंगे। अगर आप सिर्फ बजाना चाहते हैं तो भी कहरवा ताल में आप सिर्फ बजाइए, अगर आपको गाना है बजा करके तो कहरवा ताल ही लगाना रहेगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि बनाया कैसे जाता है, इसका कॉन्सेप्ट लेसन 1 में मैंने समझा दिया है। तो यहाँ हम करेंगे कि 4 हमारे पास स्वर है सारे गामा, ठीक है। तो अब हम करेंगे सा को पीछे ले जाएंगे, यानी कि रे गा मा सा ऐसे करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या करेंगे, रे को पीछे ले जाएंगे, गा मा सा करेंगे, तो गा मा सा रे इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, सा भी आ गया, रे भी आ गया, अब गा भी आ गया, अब मा रहेगा, तो अब गा को पीछे ले जाएंगे तो मा से करेंगे मा सा रे गा, ठीक है। ध्यान देंगे कि पहला हमारा, जैसे पहला यहाँ पे है तो दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है। शुरुआत हमें क्या करना है, शुरुआत में ये चारों को इस तरीके से हमें ले आना है। हमने किया क्या, इस तीन को आगे कर दिया, इन तीनों को आगे कर दिया यहाँ पे और सा को पीछे ले गए। अब इसी में इन तीनों को आगे कर देंगे, रे को पीछे ले जाएंगे, अब इसी में मा सा रे को आगे कर दिया, अब गा को पीछे ले गए। यही कॉन्सेप्ट होता है मेरुखंड अलंकार में, और मेरुखंड अलंकार के बारे में अच्छे से डिटेल में मैंने समझा रखा है लेसन 1 में। प्लीज लेसन 1 देखेंगे तो लेसन 2 अपने आप समझ आ जाएगा। तो अब क्या है कि अब यहाँ पे 4 बन जाएंगे, 4 सरगम, 4 स्वरों से 4 सरगम बना। अब इसको उल्टा कर देंगे तो मा गा रे सा इस तरीके से, ठीक है। एक बार सीधा बजाएंगे फिर उसके बाद उल्टा बनाएंगे। मा गा रे सा में क्या करेंगे, इन तीनों को पहले लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। गा आ गया, अब क्या है, रे को इधर लाएंगे, तो रे से क्या करेंगे, रे सा मा गा, गा को पीछे कर दिया, ठीक है। अब ये रे भी आ गया हमारा, मा हो गया, गा हो गया, रे हो गया, अब सा को रखेंगे तो सा को लिखेंगे सा मा गा रे इस तरीके से, ठीक है। लिखना समझ में आ गया कैसे किया है। चलिए अब ये सा का हो गया, अब रे का बनाते हैं। रे का कैसे करेंगे, इन तीनों को आगे करेंगे, गा मा पा और रे को पीछे कर दिया, दूसरा बन गया, ठीक है। अब क्या है, इसको इसी को और आगे क्या करेंगे, इन तीनों को आगे करेंगे, पा मा मा पा रे, अब गा को पीछे कर देंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इधर करेंगे पा रे गा किया, मा को पीछे कर दिया। अब हम मिलाएंगे कि 4 बनना था, 4 बन गया, रे हो गया, गा हो गया, मा हो गया, पा हो गया, पासे हो गया। अब इसको उल्टा कर दीजिए यहां में, पा मा गा रे इस तरह से, ठीक है। उल्टा किया, अब यहां से बनाना शुरू करेंगे, इन तीनों को आगे कर दिया, मा गा रे पा को पीछे किया इस तरह से, ठीक है। अब गा रे पा को यहां रखेंगे आगे और मा को पीछे कर देंगे, ये हुआ। अब गा को हो गया, अब रे पा मा गा ये किया,
ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, सा रे गा को हमने आपके सामने बना दिया, अब इसमें टाइम वेस्ट होगा इसलिए मैं पहले बना देती हूँ अच्छी तरीके से, फिर वीडियो में दिखा दूंगी, आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा और आप अपना भी दिमाग लगा सकते हैं, ये अपने से बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता करके दिखा दूंगी ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, अगर दिक्कत भी होती है तो आप मिला लीजिएगा, ठीक है। तो मैं वीडियो पॉज करूंगी, पहले लिख दूंगी, फिर वीडियो में दिखा करके आपको समझा दूंगी, फिर अवरोह लिखूंगी। तो इस ये क्या है आप जो बना रहे हैं, ये है आरोह, इसके बाद हम अवरोह भी लिख के बता देंगे, ठीक है। तो अच्छी तरीके से इसको नोट करिए इतना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सा रे तो आपके सामने बना दिया था, अब देखिए गा का पूरा सीक्वेंस आपको लिखना रहेगा, और मापा का भी, और पा धा निसा का भी, धा निसा रे का। अब धा निसा रे के बाद एक और आएगा, क्या निसा रे गा आएगा, तो मैं उसको भी समझा देती हूँ। पहले आप धा निसा रे जो बोर्ड पर लिखा हुआ है उसको पहले नोट कर लीजिए। देखिए गामा पाधा का क्या है, मापा धागा है, फिर पाधा गामा है, धागा मापा है, फिर धा पा मागा, फिर पामा गाधा, फिर मा गाधा पा, फिर गाधा पामा, इस तरीके से ये वाला हो गया। और ये देखिए माँ का जो सीक्वेंस है ये है, पा का ये है, धा का ये है। अब वीडियो को पॉज करिए और अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, आई होप आपने बना लिया होगा, आप सिर्फ मिला लीजिए, आपको तो अब समझ आ गया है कैसे बनाना है, लेकिन फिर भी आप इसको मिला लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और मिलाइए। इसके बाद हम आपको बताते हैं सामने से निसा रेगा का, निसा रेगा कैसे होगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बना देते हैं क्योंकि आपने ये लिख लिया होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये आप लिख लेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे क्योंकि वो जगह नहीं बचा है तो यहाँ पे नी सा रे गा, ठीक है, ऐसे बनेगा। क्योंकि देखिए सारे गामा यहाँ था, रेगा मापा, गामा पाधा, मापा धानी, पाधा निसा, निसा रेगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे नी हुआ ना, तो अब नी के बाद सा आना चाहिए, इसलिए सा हमारा आया नहीं है, जिसे हम आगे बढ़ेंगे तो निसा रेगा बनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि वापस हमारा सा आ जाएगा, क्योंकि जब सरगम हम बनाते हैं सा रे गा मा, ये से सा रे गा मा पा धा नी और सा, ये हमारा आना चाहिए ऊपर से, तो सा यहाँ था पहले तो सा आया, फिर रे गा मा पा धा, अब नी यहाँ आएगा फिर सा भी आ जाएगा, तो हमारा ये पूरा आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास है और यहाँ पे बन जाएगा तो तभी जाके हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हमारा सरगम तब कंप्लीट होता है जब सा से बांध करके तार सप्तक के सा पे जाकर रुके, और तार सप्तक के सा से आ करके नॉर्मल सा यानी मध्य सप्तक के सा पर रुके, तो हमारा सरगम जो होता है कंप्लीट होता है, इसलिए हमें निसा रेगा भी बनाना है। तो निसा रेगा बनाने के लिए फिर वही करेंगे, सा को यहाँ रख लेंगे, सा रे गा को यहाँ रखा, नी यहाँ ले गए हम इस तरह से, उसके बाद क्या करेंगे, रे गा नी, फिर लास्ट में हमारा सा आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद गा नी सा रे, देखिए जहां तार सप्तक का है बिंदी लगाना ना भूलिएगा ऊपर, ठीक है। रे हो गया ये हमारा, देखिए अब यहां से नी पहले था, अब सा यहां हुआ, रे भी आ गया, गा से भी बन गया। अब उल्टा करेंगे, गा रे सा नी, ठीक है, इस तरह से। अब हम करेंगे ये रे सा नी, ठीक है, रे सा नी हो गया, अब गा को पीछे कर देंगे, हो गया। अब क्या करेंगे, सा नी गा रे यहां ले जाएंगे, अब एक और बनेगा हमारा, ये नी को सही कर दीजिए, नी हमारा इस तरह से बड़ा सा बना देते हैं ताकि समझ आए, फिर नी गा रे सा आ गया ना सा हमारा लास्ट में, ये सा। अब हम जब अवरोह बनाएंगे तो हमारा ये जो तार सप्तक का सा है ना, यहाँ से ही हमारा अवरोह बनेगा, तो ध्यान दीजिए अच्छी तरीके से इसको नोट करिए। पहले सारे वाला तो आपने लिख दिया था, रेगा वाला पूरा लिख लीजिए, अब यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम बनाएंगे अवरोह, वीडियो पॉज करिए अच्छी तरीके से उसको लिख लीजिए, अब हम अवरोह बताते हैं। फ्रेंड्स अब देखिए अवरोह लिखिए, अवरोह को यहाँ पे देखिए कैसे लिखा है हमने, सा नी धा पा, नी धा पा मा, धा पा मा गा, पा मा गा रे, मा गा रे सा, और गा रे सानी, और एक अभी और क्रम बनेगा उसका, क्या, रे सा नी धा का, क्योंकि यहाँ पे रे आया है ना, हमारा लास्ट में सा आना चाहिए, जैसे कि आरोह में यहाँ पे लास्ट में सा आया था तार सप्तक का, वैसे अवरोह में मध्य सप्तक का हमारा यहाँ रे नहीं सा आना चाहिए, ठीक है। अब हम ध्यान देंगे कि यहाँ लिखिए, पहला कॉलम बनाइए सा नी धा पा का, इसको एज इट इज लिख लीजिए जैसा जैसा है, ठीक है। वीडियो पॉज करिए, बताने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि भी प्ले करना भी है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप वीडियो पॉज करिए और इसको लिखिए। तो इसके पहले हमने जो लिखा था वो था गारे सानी, यानी नी हमारा मध्य सप्तक का था, उसके आगे भी हमें लिखना था, क्या लिखना था, रे सा नी धा, ये वाला कॉलम हमारा बच गया था तो हम लिख देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा जहां नी था हमने वहां पे डॉट लगाया था, तो आप भी डॉट लगाना मत भूलिएगा क्योंकि वो मध्य सप्तक में जा रहा है। तो अब हम करेंगे सा नी धा रे, ये पहला,
ठीक है, अब इन तीनों को यहां रखेंगे, नी धा रे सा, नीचे डॉट लगाना मत भूलिएगा, नहीं मंत्र सब तक नहीं समझ में आएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या आ जाएगा इसका, कि धा रे सा नी, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए हमारा कहा, रे भी रे से बना था ये वाला, सा से बन गया ये, नी से बन गया ये, धा से बन गया ये। अब उल्टा कर दीजिए इसको, कि धा नी सा एंड रे, ठीक है। अब ये धा और नी मंद्र का है, तो अब आगे लिखेंगे नी सा रे धा, इस तरह से धा डॉट है। फिर उसके बाद क्या हो गया, सा रे धा नी, ठीक है, धानी सारे धानी हो गया हमारा। अब इसके नीचे हो जाएगा हमारा, यहां लिख देते हैं, यहां जगह नहीं है, क्या हो जाएगा कि रे धा नी लास्ट में सा आ गया ना हमारा, ये वाला सा, हमें ये वाला सा लाना था इसीलिए, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये चार इधर होंगे और ये तीन और एक चार यहाँ पे, ठीक है, ये एक साथ रहेंगे। तो ये हमारा अब कंप्लीट हो गया। अब इसको हारमोनियम पे बताते हैं कि कैसे गाएंगे और कैसे बजाएंगे, ठीक है। आइए हारमोनियम पे देखते हैं। सो फ्रेंड्स, इस अलंकार को करने के लिए मैंने जो स्केल लिया है वो है चौथा काला, ठीक है। आप अपने स्केल को कर सकते हैं, जो भी आपका स्केल हो आप अपने स्केल से करिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप किसी भी स्केल से कर सकते हैं, ठीक है। किसी का स्केल चौथा काला होगा, किसी का पांचवा होगा, किसी का पहला काला होगा, कोई सी मेजर से गाता होगा, कोई बी से गाता होगा, कोई ए से गाता होगा। तो जो भी आपका स्केल हो, व्हाटएवर, आप वहां से करिए, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो मैं चौथे स्केल से बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान देना ही है, ये टेढ़ा है। मेरुखंड अलंकार क्या होता है, आड़ा टेढ़ा अलंकार होता है। तो इसमें ना बेसुरा होने के लिए बहुत चांसेस होते हैं, आप बेसुरे हो सकते हैं। अगर जरा भी चूक करी ना तो सुर जो होगा वो बेसुरा हो जाएगा, इसलिए सुर पे बहुत ध्यान देना होगा, ठीक है। तो सुर पे ध्यान देते हुए इस सरगम को करना होगा। तो आइए देखते हैं, सुर को अच्छी तरीके से समझते हुए ध्यान से मैं धीरे धीरे बताऊंगी, फॉलो करिएगा, है क्या। सारे गा रे गा मा सा गा मा सा रे मा सारे गा मा गा रे सा गा रे सा मा रे सा मा गा सा मा गा रे। सेकंड, रे गा मा पा गा मा पा रे, जैसे ना पा रे, यहाँ रे जिसमें बेसुरा हो जाता है लोगों का, इसलिए ध्यान दीजिएगा बेसुरा ना होने पाए, ठीक। सारे, फिर दूसरा वाला, सॉरी, रे गा मा पा गा मा पा रे मा पा रे गा पा रे गा मा पा मा गा रे मा गा रे पा गा रे मा मा रे पा मा गा। थर्ड, गा मा पा गा मा पा गा गा। सेकेंड में ज्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को, क्योंकि हम जब सिखा रहे थे ना अपने स्टूडेंट्स को, तो उनको ये बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि वो बेसुरा कर दे रहे थे, जैसे गा मा पा धा मा पा धा नी, ये करने की कोशिश करते थे। तो ये करना ही नहीं है, ये कोशिश स्वाभाविक हो जाती है, क्योंकि हमने हमेशा सीधा सीधा सीखा, इसलिए यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि सेकंड में सबसे ज्यादा ध्यान देना है। तो देखिए तीसरा कैसे है, गा मा पा धा मा पा धा गा पा धा गा मा पा धा मा पा धा मा नी धा मा नी धा
कि मैंने बताया था कि जब हम स्टार्टिंग करते हैं सा से तो हमारा लास्ट का सा आना चाहिए, ठीक है, इसलिए ये सात क्रम में जाएगा। फिर अब यहाँ से वापस आएंगे से करना, धीरे धीरे, बहुत ही फास्ट करने की कोशिश करेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए सुर में रह के बहुत बहुत ध्यान से क्लियर क्लियर इसको करना रहेगा। तो एक दिन में तो ये आएगा नहीं, इसके लिए लगातार हफ्ते दो हफ्ते लगे रहो इस पे। जब ये आ जाएगा ना तो बहुत ही सुंदर लगता है और आपका सुर भी पक्का हो जाता है। सुर पक्का करने का सबसे बेस्ट अलंकार है ये मेरुखंड अलंकार, अच्छे से ध्यान से करिए। देखिए अब इसका फ्लो बनाइए आप लोग, अगर आप फ्लो बना लेते हैं तो इसको ताल कहरवा में प्ले करने में आसानी होगी, और जो फ्लो बनेगा उसका टेम्पो कुछ भी रख सकते हैं लेकिन फ्लो रहना चाहिए। अभी तक तो मैंने तोड़ तोड़ के बताया कि कैसे करना है, अब सभी को जोड़ करके बताती हूँ कि कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा। सारे गा रे गा सा गा मा सा रे मा सा रे गा मा गा रे सा गा रे सा मा रे सा मा गा रे रे गा मा पा रे मा मा रे गा मा रे गा मा पा मा गा मा गा रे पा गा रे मा मा रे पा मा गा गा मा पा रा मा मा रा गा पा रा गा मा रा गा मा पा रा मा मा गा पा मा गा रा मा गा रा मा गा रा मा 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 पा धा नी पा धा नी मा धा नी मा पा नी मा पा धा नी धा पा मा धा पा मा नी पा मा नी धा मा नी धा पा पा धा नी सा धा नी सा पा नी सा पा धा सा पा धा नी सा नी धा पा नी धा पा सा नी पा सा नी धा। सुप्रिस इसी तरीके का आपको एक फ्लो बनाना होगा, मैंने थोड़ा सा करके बताया, आप इसको पूरा कंप्लीट करिएगा। जब आप करिएगा तो एक बार मिला लीजिए कि आपका फ्लो सही से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये जो क्रम मैंने बताया इसी क्रम में आपको एक फ्लो में करना रहेगा, ठीक है। तो अभी तो मैंने पूरा कंप्लीट इसलिए नहीं किया क्योंकि लंबा वीडियो नहीं करना था मुझे। सो फ्रेंड्स ये रहा आज का वीडियो। फ्रेंड्स मेरुखंड अलंकार देखने में बहुत आसान लगता है, लगता है कि वाह क्या बात है ये तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, लेकिन गाने में बहुत ही डिफिकल्ट होता है। देखिए फ्रेंड्स अगर आप मेरुखंड अलंकार को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो इससे तीन फायदे होंगे। पहला तो आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज हो जाएगी, सडन जो कॉन्सेंट्रेशन पावर नहीं है ना इसको करने से कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। अगर आप करेंगे ना सच बताएं आपको समझ आएगा कि यार ये कितना क्रिटिकल है, देखने सुनने में लगता है कि वाह क्या बात है बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन करने में बहुत ही डिफिकल्टी आती है, ठीक है, इसलिए इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ये तो मैंने पहला फायदा बताया। दूसरा फायदा क्या है इससे कि सिंगिंग में जो स्वर आपके सही नहीं लगते हैं ठीक से जल्दी से नहीं लग पाते हैं तो मेरुखंड अलंकार करने से आपके स्वर साधना बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि सडन जो इसमें चेंज हो रहा है ना स्वरों की स्थिति तो वो धीरे तो आप कर लेंगे लेकिन तुरंत तुरंत नहीं हो पाती है, तो मेरुखंड अलंकार से ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तीसरी एक्सरसाइज क्या है कि आपकी हारमोनियम पे जो फिंगर है ना बहुत ही फास्ट और फ्लो में चलने लगेगी। आप मेरुखंड अलंकार को नहीं गाते हैं, हारमोनियम सिर्फ प्ले करना चाहते हैं, हारमोनियम पे सिर्फ करना चाहते हैं, तो समझ लीजिए हारमोनियम वालों के लिए भी ये रामबाण है। ये एक्सरसाइज बेस्ट एक्सरसाइज होगी आपके लिए।
नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।